प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के खिलाफ एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने पेट्रोल के दामों पर ट्वीट नहीं किया तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। जिसके बाद मंत्री अनिल विज ने नाना पटोले को आड़े हाथों लिया है और उनका कहना है कि नाना पटोले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अमिताभ व अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि मंत्री अनिल विज ने एक के बाद एक दो ट्वीट किए, तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सार्थक भूमिका निभा पाने में असमर्थ रही है और अब भाजपा सरकार के विरोध के लिए सीने स्टारों को कांग्रेस धमका रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महाराष्ट्र कांग्रेस को निशाने पर लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को मंत्री अनिल विज ने आड़े हाथों लिया है। नाना पटोले ने एक ट्वीट में अमिताभ व अक्षय कुमार को धमकाया था और उन्होंने कहा था कि यदि इन दोनों ने पेट्रोल के दामों पर ट्वीट नहीं किया तो महाराष्ट्र में इनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। जिसके बाद मंत्री अनिल विज ने नाना पटोले को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि नाना पटोले के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें तो अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि मंत्री अनिल विज ने एक एक का दो ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सार्थक भूमिका निभा पाने में असमर्थ रही है और अब वो सरकार के विरोध के लिए सीने स्टारों को धमका रही है। जिसके बाद सोनिया गांधी को इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए।